वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपके लिए कुछ ज़्यादा खास रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है ये। जो लोग खाना बनाना नहीं जानते हैं और जो लोग कभी कभी खाना बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट वगैरह हो गए, तो उनको कभी कभी पता नहीं होता है कि राइस बनाना है तो कितना पानी डालना है, कैसे बनाना है, कितनी विसल लगानी है, कितनी सीटी लगानी है। तो आज ये रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जो चावल हैं बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास चावल ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसको हम एक बोल में डाल देंगे और अब आपको इसको वॉश करना है। आप इसको दो बार लगभग वॉश कर लीजिए अच्छे से, दो से तीन बार वॉश कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो बार पानी डाला है और अच्छे से मसल के इसको वॉश कर लिया है। तो देखिए, ये वॉश हो चुका है। अब मैं एक कुकर लूँगी, कुकर में ये राइस हम डाल देंगे। तो ये बिल्कुल प्लेन राइस है, मैंने यहाँ पे कुछ जीरा और वगैरह का तड़का नहीं दिया है, जस्ट मैं प्लेन राइस बना रही हूँ। तो मैंने वहाँ जो राइस थे वो कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आपने जैसे देखा, आपने एक ग्लास जो है राइस डाले थे, तो मैं यहाँ पे डेढ़ ग्लास पानी यूज़ करूँगी। तो एक ग्लास चावल के लिए आपको डेढ़ ग्लास पानी यूज़ करना है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। अब गैस पे हम इसको रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। आपको एक सीटी तेज आंच पे देनी है और फिर आपको जो गैस है वो ऑफ कर देनी है। और आपको तुरंत कुकर नहीं खोलना है, आप जब स्टीम जो होती है ना उसकी पूरी निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही आपको कुकर खोलना है। तो देखिए, राइस बन के तैयार हो गए हैं और बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल गीले राइस नहीं है। आप किसी भी टाइप का राइस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोलम राइस लिया है। आप बासमती कोई भी राइस लें, आप इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल गीले नहीं बनेंगे, बहुत परफेक्ट राइस बनेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ अगली